किलो विटामिन जी क्रीम से दाढ़ी कैसे उगाई जाती है। अगर आप भी किलो विटामिन जी क्रीम का यूज़ करते हैं तो आपकी दाढ़ी आएगी या फिर नहीं आएगी, और दाढ़ी उगाने के लिए सबसे अच्छी क्रीम कौन सी होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही, बियर्ड ग्रोथ नहीं कर रही, तो वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स करते रहते ताकि उनकी भी दाढ़ी आ जाए। उसी में से एक क्रीम होती है किलो विटामिन जी क्रीम, जिसका कि बहुत सारे लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं दाढ़ी उगाने के लिए या फिर दाढ़ी के बालों को उगाने के लिए। ये बात सही होती है कि क्रीम से भी दाढ़ी आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको मेडिकल्स पर क्रीम मिल रही है, वो क्रीम आपकी दाढ़ी की ग्रोथ कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले हम जानते हैं अगर आप किलो विटामिन जी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो किस लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपके फेस पर पिंपल्स हो रहा है, या फिर आपके फेस पर रेड मार्क हो रहा है, रेड धब्बे हो रहा है, या फिर स्किन एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए किलो विटामिन जी क्रीम का यूज़ किया जाता है। वैसे अगर आप बोल सकते हो अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं और आप उस पर इसका यूज़ कर रहे हो, किलो विटामिन जी क्रीम का अगर आप फेस पर यूज़ कर रहे हो, तो उससे थोड़े से साइड इफेक्ट होंगे और आपके फेस पर बाल आ सकते हैं, लेकिन वो दाढ़ी नहीं होती, वो बाल दोबारा से चले जाते हैं, तो वो आप दाढ़ी नहीं बोल सकते हो। उसका रिएक्शन होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है आपके फेस पर बाल आना, लेकिन वो बाल पतले पतले फेशियल हेयर्स आते हैं, ना कि वो मोटे बाल आते हैं। अगर आप भी किलो विटामिन जी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं दाढ़ी को उगाने के लिए, तो आप भलाई उसका यूज़ ना करें, उससे आपकी दाढ़ी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, थोड़े बहुत बाल आएंगे, फिर वो बाल दोबारा झड़ जाएंगे, जैसे आप उस क्रीम को लगाना बंद कर दोगे वैसे वो बाल निकल जाएंगे। तो अगर आप इसका आप यूज़ करते हैं तो अभी से यूज़ करना बंद करें। इसको आप फंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन के इन्फेक्शन के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर फेस के पिंपल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके फेस को गोरा करने के लिए इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दाढ़ी उगाने के लिए इसको छोड़ें। दाढ़ी उगाने के लिए सबसे अच्छी क्रीम जो होती है वो होती है पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, आप मेरी बियर्ड देख रहे हैं। उस क्रीम को अगर आप सही से यूज़ करोगे तो आपकी 100% दाढ़ी की ग्रोथ हो जाएगी। उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, उसका यूज़ नाइट में किया जाता है, नाइट में लगा के उसको सो जाए, सुबह उठ के आप आपके फेस को वॉश कर लें, यही ट्रीटमेंट आपको 3 से 4 महीने कंटिन्यू करना है, आपकी दाढ़ी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी। बट किलो विटामिन जी क्रीम आपकी दाढ़ी नहीं उगा सकती है, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको जरूर काम में आएगी और आपको नॉलेज भी मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।